नमस्कार दोस्तों, टेक विद सुभाष के एक न्यू एंड फ्रेश वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी वेबसाइट की स्क्रिप्ट को कॉपी कैसे कर सकते हो। ये सवाल हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी वेबसाइट की स्क्रिप्ट को कॉपी कैसे कर सकते हो, वो भी अपने मोबाइल से। तो बेसिकली हम विशिंग स्क्रिप्ट को कॉपी करने वाले हैं, क्योंकि हाई लेवल की वेबसाइट को कॉपी करना इतना आसान नहीं है, और कर भी लेते हैं तो उनमें चेंज बहुत करने पड़ते हैं, वो सही तरीके से हम चेंज नहीं कर पाते हैं। सो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप किसी भी वेबसाइट की स्क्रिप्ट को कॉपी करोगे। उससे पहले यार, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि ये वीडियो अच्छा नहीं है तो आप अनलाइक भी कर सकते हो, अनलाइक का बटन इसलिए दिया गया है। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम ज्ञान बांटते रहते हैं। एंड चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको उस वेबसाइट का यूआरएल कॉपी कर लेना होगा जिस वेबसाइट की आप स्क्रिप्ट कॉपी करना चाहते हो। बाय एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक विशिंग स्क्रिप्ट है दीपावली की, मुझे ये कॉपी करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर सर्च बार में इसका जो है वो यूआरएल आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर लॉन्ग फ्रेश करेंगे और इस तरीके से पूरा पूरा इसे सेलेक्ट कर लेंगे और इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको एक ऐप की जरूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है HTML व्यूअर। इसके डाउनलोडिंग लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो सबसे पहले एंटर यूआरएल का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर जो आपने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, व्यू वेब व्यू, वेब व्यू पे आप क्लिक करके देख सकते हो कि ये वेब व्यू में कैसे दिखाई देती है। तो जो वेबसाइट वहाँ पर दिखाई दे रही थी वो यहीं पर भी आपको दिखाई देगी। तो देख लीजिए इस तरीके से ये दिखाई दे रही है। तो इसे कॉपी करने के लिए व्यू सोर्स पे हम क्लिक करेंगे, व्यू सोर्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरी की पूरी HTML है वो आ गई है, उसी विशिंग वेबसाइट की स्क्रिप्ट है वो आ गई है। तो इसे हम जो कॉपी करेंगे, उससे पहले यार थोड़ी बहुत जो मैं आपको बातें बता देता हूँ कि इसे कॉपी करने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये उनकी स्क्रिप्ट है जिनकी आप कॉपी कर रहे हो, और इसमें उनके लिंक और एड भी वगैरह होंगे, तो उन्हें हटाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो विशिंग वेबसाइट होती है, इनमें दो जगह तो उनकी वेबसाइट का यूआरएल होता है, जो उनकी विशिंग वेबसाइट होती है वो यूआरएल होता है। तो सिंपली ऊपर ही ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा टाइटल का, यहाँ पर आप देख सकती हो कि ये टाइटल का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ये देख लीजिए, ये टाइटल है, यहाँ पर मैं आपको जो हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये टाइटल वगैरह है, तो यहाँ पर उनकी वेबसाइट का यूआरएल है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि www.myhindiarticle.online ये उनका यूआरएल है। तो सबसे पहले आपको इसे हटाकर अपना यूआरएल दे लेना होगा, तो यहाँ पर इसे आप जो हटा लीजिए, उसके बाद अपना यूआरएल दे दीजिए। उसके बाद एक ही नीचे नीचे और होगा विशिंग स्क्रिप्ट में, जो बड़ी वेबसाइट होती है उनमें कहाँ कहाँ होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन विशिंग वेबसाइट में दो जगह होता है, एक ऊपर ऊपर होता है और यहाँ पर एक नीचे होता है, जहाँ पर व्हाट्सएप का शेयर बटन होता है या फिर फेसबुक का शेयर बटन होता है, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये देख लीजिए, ये लो सबसे खास तोहफा आपके लिए मेरी तरफ से, ब्लू लाइन पर टच करके देख लो। इसके नीचे ये जो यूआरएल है इसको भी आपको चेंज करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर उनके एडसेंस के ऐड भी दिखाई देंगे, वो आपको जो ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ उनके होंगे, तो वो हटाकर अपने लगा सकते हो। बाय एग्जांपल यहाँ पर जो ऐड नहीं लगा रखे हैं तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एडसेंस रिस्पॉन्सिव इमेज लिंक ऐड हियर ये लिखा हो गया है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप जो चेंज कर लीजिए, और उसके बाद फिर लॉन्ग फ्रेश करेंगे, और लॉन्ग फ्रेश करने के बाद सेलेक्ट ऑल कर देंगे हम, सेलेक्ट ऑल करने के बाद कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा स्क्रिप्ट है कॉपी हमने कर लिया। अब चलिए मैं आपको जो लगा कर दिखाता हूँ कि ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं अपनी ये माई एग्जाम्पल वेबसाइट है, इस पर मैं थीम पे क्लिक करके वो जो सोर्स कोड हमने कॉपी किया था, स्क्रिप्ट कॉपी की थी पूरी की पूरी, वो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। तो पहली वाली जो कॉपी की थी, ये पहली वाली मेरी वेबसाइट में स्क्रिप्ट लगी हुई है, इसको मैं ऑल सेलेक्ट करके पूरी की पूरी डिलीट कर दूंगा, और जो हमने कॉपी किया था वो पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद सेव थीम पे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ कि ये सेव हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरी की पूरी सेव हो चुकी है। अब मैं चलिए व्यू व्लॉग पे क्लिक करके दिखा देता हूँ कि कैसी हमारी वेबसाइट कॉपी करने के बाद, हमने जो स्क्रिप्ट कॉपी की थी वो डालने के बाद कैसी बनी है। तो यहाँ पर मैं जो कुछ भी नाम डाल देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकती हो कि वही वेबसाइट है जो उस बंदे की थी, हमने कॉपी पूरी की पूरी कर ली है। तो इस तरीके से आप इसे कॉपी कर सकती हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिलती रहे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।